इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट, मतलब 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिशर्स के ऊपर, क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया के ऊपर, वो बताया गया है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द रिवोल्ट वॉज मेट बाई कम्युनली चार्ज ब्रिटिश पॉलिसीज। मतलब कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखी थी 1857 के रिवोल्ट में, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इतना फेस करना पड़ा था। सस्पिशन एंड रेशियल एंटागोनिज्म बिटवीन इंडियन एंड द ब्रिटिश ग्रू डीपर। मतलब कि ब्रिटिशर्स अपने बराबर किसी को समझते नहीं थे, और वो ये दिखा था कि अब ब्रिटिशर्स और ज़्यादा शक करने लगे थे इंडियंस के ऊपर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 वॉज पास बाई द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ऑल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज पोजिशन वेयर टेकन ओवर बाई द ब्रिटिश क्राउन। इट इज़ नाउ नोन एज द क्वींस प्रोक्लेमेशन। मतलब कि 1857 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 पास हुआ था जिस ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पोजीशन था वो सारा वापस ले लिया गया था। वहाँ पे सिर्फ जो रूल होगा वो ब्रिटिश क्राउन के थ्रू होगा, जो कि जिसको क्वीन प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है। द एज ऑफ एग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंडेड। मतलब कि जो इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स अपने आप बढ़ रहे थे, जगह जगह लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, वो धीमे धीमे वो कम हो गया था। उनका जो एक्सपैंड हुए जा रहे थे वो अब कम कर दिया गया था। द गवर्नर जनरल वॉज गिवेन अ टाइटल ऑफ वॉइस रॉय हु वॉज नाउ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। मतलब जो गवर्नर जनरल थे अब उनको वॉइस रॉय बना दिया गया था। अब वो क्राउन जो क्वीन थी उनके क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। द प्रीवियस हायरार्की ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वॉज एबॉलिश्ड। जो पहले की हायरार्की थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए हुए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। द न्यू सेटअप हैड अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मतलब एक नया सेटअप बनाया गया जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट हु वाज असिस्टेड बाय द इंडियन काउंसिल कंप्राइजिंग ऑफ 15 मेंबर। एक नया सेटअप बनाया गया था जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो इंडियन काउंसिल को रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी इंडियन काउंसिल उनको असिस्ट करेगा, जिसमें कितने मेंबर्स थे, टोटल 15 मेंबर्स थे। इट वॉज अनाउंस दैट द न्यू गवर्नमेंट विल रिस्पेक्ट द राइट and dignity of the local ruler. However, the local ruler had to recognize the supremacy of the British crown and accept themselves to be a part of single charge. मतलब इसमें यह था कि एक नई गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें लोकल रूलर्स जो वहाँ के राजा थे उनकी डिग्निटी को, उनके राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाएगा, और उसके बदले उनको क्या करना होगा, उनको ये ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उनको एक सिंगल चार्ज देना पड़ेगा। द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज। और आर्मी को क्या किया, पहले हिंदू मुस्लिम की ऐसे आर्मी थी उसको उसमें एक साथ थे, अब उसको रीऑर्गेनाइज किया गया। क्यों, द सिपॉयज वर नाउ सीन विद सस्पिशन। अब जितने सिपॉयज थे उनके ऊपर और ज़्यादा निगाह रखी गई। Therefore, the British policy came to be governed by the idea of division and counterpoise. मतलब अब ब्रिटिश पॉलिसी जो थी वो चेंज हो गई थी। अब कैसे वो करते थे, डिवीजन करते थे, रिलीजन के हिसाब से डिवीजन करते थे। ये मुस्लिम के डिवीजन का, मुस्लिम्स हैं तो ये सारे मुस्लिम्स सिपॉयज रहेंगे, ये हिंदू हैं उनके, मतलब अलग अलग उनको किया जा रहा था। तो यही इम्पैक्ट थे, पॉजिटिव तो इम्पैक्ट पड़े थे। अगर साथ हो जाता उसी टाइम, सब लोग एक साथ हो जाते तो शायद उसी टाइम जीत जाते, बट कोई नहीं, कुछ तो इफेक्ट पड़ा ही था।